उद्यापासून सुरू होणाऱ्या सप्तशृंगी गडावरील चैत्रोत्सवाला प्रशासनाने परवानगी दिली. गेले 2 वर्ष कोरोना सारख्या महामारीने गोरगरिबांचं जीवन उद्ध्वस्त करून टाकलं होतं. हातमजुरी करणाऱ्यांवर तर उपासमारीची वेळ आली होती. त्यावेळी संकटातून छोटे मोठे दुकानदार व्यापारी सुद्धा सुटले नव्हते, कारण गेली 2 वर्ष यात्रा आणि सणासुदीला सुद्धा परवानगी नव्हती. त्यावेळी सप्तशृंगी गडावरील यात्रा काळात शेजारील राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून छोटे मोठे उद्योग करून पोट भरणारे दुकानदार हे सप्तशृंगी गडावर उदरनिर्वाहासाठी येत असतात. आपण आज बघतो मध्य प्रदेश भोपाळमधून आलेले हे ढोलकी सारखे वाद्य बनवणारे कारागीर सप्तशृंगी गडावर दाखल झाले. कसे आहे? हम लोग भोपाल से आए भाई, भोपाल MP मध्य प्रदेश से आए और यहाँ पर मेला सुना तो हम लोग चले आए ढोलक वोलक बेचने के लिए. पहले पिछली साल भी आने की तैयारी की थी हम लोगों ने, तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से सारा माल हमें छोड़ के जाना पड़ा. तकरीबन 60-70 हज़ार का नुकसान हो गया था सर हमारा. आज इस समय इसी मेहनत और लगन से आए हैं ताकि हमारा इस मेले में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा बंदोबस्त. उतना माल तो नहीं है मगर थोड़ा बहुत है जो मेले की यात्रा में बिकेगा. अब देखो यात्रा कब स्टार्ट होती है कब नहीं, ये तो कल परसों ये लोग बता रहे हैं कि संडे को यात्रा होगी. आप जो ढोलक बना रहे हो वो ढोलक के वास्ते जो लकड़ी रहती है वो लकड़ी कैसा रहता है, लकड़ी का रहता है या कुछ जो लगा रहे हो आप उसका क्या रहता है? ये सर जी सनमाइका है और बच्चों का ढोलक है जो 1 साल से लेके 5 साल तक की बच्ची बजाएंगे. और ये इसका चमड़ा मेरठ से लाते हैं और ढोलक ये ऊपर का जो फ्रेम है ये वाला सूरत से लाते हैं. मिनिमम एक ढोलक बनाने में कितना खर्चा आता है? 140 रुपये खर्चा आ जाता सर जी. 120 का बेच दो, 150 का भी बेच दो. पहले सस्ता था तो चमड़ा कम पैसे में मिलता था, अब थोड़ा चमड़ा महंगा हो गया इसलिए थोड़ा ओरिजिनल वाला चमड़ा ये डुप्लीकेट है ये सर, ताकि बच्चे बजा सके आराम से और साल भर चलता है बच्चे खिलौना है ये बहुत ही मजबूत. न्यूज़ 9 महाराष्ट्र साठी प्रतिनिधि दीपक बागुल कळवण.